सोशल मीडिया के माध्यम से करीब आए युवक युवती के परिवार के सदस्य विवाह करने पर राजी हो गए। इतना ही नहीं, लड़की की एंगेजमेंट हो गई, मगर अब दूल्हे राजा और उनके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया है। मोबाइल भी बदल गए, जिससे कोई संपर्क नहीं हो रहा। युवती खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। पीड़ित युवती ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी को शिकायत देने आई युवती ने बताया कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भोपाल के ऋतिक वर्मा से उसकी जान पहचान हो गई थी। बात शादी करने तक पहुंची। ऋतिक और उसके परिवार के सदस्यों ने छतरपुर आकर एंगेजमेंट कर दी, लेकिन कुछ समय से पूरा परिवार संपर्क से दूर हो गया है। लड़के पक्ष की ओर से शादी करने से इनकार किया जा रहा है। युवती ने बताया कि ऋतिक भोपाल में किराए से रहता था और उसका मूल गांव बड़खेरी है। वो वन विभाग में नौकरी भी करता है। लड़की कई बार भोपाल जाकर उसके साथ रहती रही। युवती का कहना है कि शादी के लिए राजी होने की वजह से दोनों के संबंध भी बन गए थे। अब छलावा होने की आशंका के कारण युवती ने एसपी को शिकायत की है। जी, क्या घटना हुई है आपके साथ, कहां पर हुई है? जी, यही छतरीपुर में हुई है और वो लड़का भोपाल का रहने वाला है। हम लोगों की बात हुई थी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से, तो हम लोगों ने शादी का फैसला लिया। उसके बाद हम लोग गए उनकी शादी में भानेजन की। फिर लोगों की बात हुई तो इनके पापा, बड़े पापा लोग आए हैं शादी की बात करने। फिर एंगेजमेंट वगैरह हुई, होली पक कैद वगैरह हुई। अब अचानक से बोलते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करना है। बहुत कोशिश किया हमने उनके मम्मी पापा बड़े भैया से, सबसे बात की, यहाँ गए, कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है, कोई सुनता भी नहीं है। वो लोग ने अपने नंबर वम्बर सब चेंज कर दिए, बोलते हमें कोई मतलब नहीं रखना, पैसे की मांग वगैरह सब लोग करते हैं। क्या नाम है उस लड़के का? ऋतिक वर्मा। कहाँ से हो? वो भोपाल से है, बड़जेड़ी गांव है उसका। तो क्या आपसे शादी का वादा किया था? हाँ, किया था, शादी का वादा किया था। और जहाँ वो किराए से रहता था वहाँ भी आना जाना हुआ हम लोगों का। बन बिहार में वो जॉब करता है। हाँ, बहुत कुछ किया। तो क्या आपके साथ संबंध भी बनाया? हाँ। कितनी बार संबंध? 10-12 बार हुआ। तो इसका मतलब कोतवाली में इसकी शिकायत नहीं किया? कोतवाली में कोई सुनता ही नहीं है, लेके गए थे वहाँ पे शिकायत। हम लोग कलेक्टर के यहाँ भी गए थे, एसपी के यहाँ भी गए, वहाँ भी वो लोग कोई कागज वगैरह नहीं लेते। अभी कहाँ पर हुआ? अभी हम एसपी के यहाँ है। तो क्या कार्रवाई हुई है? अभी नहीं हुई है कुछ। बैठो, अभी इंतजार करो।